नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी वर्ण विचार के वीडियो में। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें वर्ण के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, काफ़ी विमर्श किया था, और आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप, वर्णमाला जो है उसका हिंदी में महत्वपूर्ण स्थान है और ये एक पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके हम किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं, तो ये 44 होते हैं, और कुल अक्षर की बात करें तो ये 52 थे। वर्ण यानी जो कुल अक्षर का प्रश्न आए तो 52, वर्ण पूछा जाए तो 44, और ये 11 प्लस 33 होते हैं। कल के वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि बैकग्राउंड क्या था, सफ़ेद था, और उसका कारण से आपको देखने में थोड़ी परेशानी महसूस हुई और इसके साथ साथ अक्षर भी थोड़े क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे। आज हमने एज इट इज श्याम पट का जो कलर है वो लिया है, और आप चाहें कोई परेशानी हो तो फिर आप कमेंट करें। वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं दोस्तों। तो वर्णों का उच्चारण स्थान और भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक होता है, यानी शुद्ध रूप से बोलना और उसका उच्चारण किस रूप से किया जाए, इसके लिए वर्णों का उच्चारण स्थान है उसको जानना क्या होता है बेहद जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंठ, और कंठ जो वर्ण है उसका उच्चारण जो स्थान है वो तो दोस्तों कंठ कोमल तालु है, यानी और इसका वर्ण ध्वनि का नाम है वो है यानी कंठ। तो मूल रूप में ये कंठ कोमल तालु से उच्चारित होता है और इसको कंठे कहते हैं। अब इनको देखते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं जो कंठ से यानी उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों ए, आ और कैवर्ग। अब दोस्तों कैवर्ग में यानी आपके अक्षर आ गए कैवर्ग के सारे और साथ साथ विसर्ग, यानी विसर्ग वी से बोला जाता है। तो ए हो गया, आ हो गया, कैवर्ग और यानी कैवर्ग पूरा और विसर्ग। तो शुरुआत की कड़ी से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए आ गए कंठ में, फिर कैवर्ग आ गया और फिर आ गया विसर्ग। यानी सूत्र के तौर पर तो संस्कृत में तो सूत्र चलते हैं, लेकिन अपने हिंदी भाषा में थोड़ी भिन्नता है तो उसको देख करके हम चल रहे हैं। अब अपना जो है वो है तालव्य, इनको विस्तार से भी समझेंगे। और तालव्य में दोस्तों देखिएगा, ई बड़ी ई और इसके बाद में कैवर्ग, और ये आ गया ये और से। यहाँ दोस्तों खासियत देखिए, पहले ए आया कंठ में, बाद में तालव्य में ई और बड़ी, यहाँ कैवर्ग आया और यहाँ पर चैवर्ग आ गया, यहाँ पर विसर्ग था और यहाँ पर ये और पहला से आ गया। यानी क्रम से अगर हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी कि पहले में ए आया, दूसरे में ई ई, और पहले में कैवर्ग, दूसरे में चैवर्ग, पहले के अंदर यानी कंठ में विसर्ग और तालव्य में ये और से। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर समझेंगे तो ये चीज़ आसानी से हल हो जाएगी। और ये जो है तालव्य है ये तालु से बोले जाते हैं और जो इनका नाम है वो तालव्य किया जाता है। अब है मूर्धा, और ये मूर्धा से बोले जाते हैं और इनको कहते हैं दोस्तों मूर्धन्य, मूर्धन्य कहते हैं, यानी मूर्धा से बोले जाते हैं और मूर्धन्य कहते हैं। अब अपने सामने आ गया री और तैवर्ग
और इसके बाद क्या गया, सॉरी री पेवर्ग और रे और दूसरा से, कर्म वैसे के वैसे जारी है जैसा आप देख रहे थे, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। यहां पर देखिएगा ए आ ई ई या री और तेवर्ग तेवर्ग सॉरी और इसके बाद रे और से यानी दूसरा से, ये दूसरा से और रे, यहां पर ये था, ये के बाद में रे आ गया, ये पहला से था और यहां पर दूसरा से आ गया। विसर्ग ये रे इधर है, विसर्ग से से। चलिए अब देखते हैं अपना दंत और दंत के अंदर ये जो उच्चारण होते हैं वो दांत से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक लरी भी देख ले सकते हैं, ये मूल रूप में संस्कृत का है, लरी पैवर्ग। और यहाँ पर अब आप देख लीजिएगा ले और है, ये किसे आगे, दंत से आगे, तो कर्म से चल रहे हैं ये, बिल्कुल कर्म से चल रहे हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कर्म से नहीं चल रही। उसके बाद हम चलते हैं ओस्थेस पर। ये दोस्तों ओस्ट से बोले जाते हैं और ओस्ट से बोले जाते हैं तो छोटा ऊ बड़ा ऊ और पैवर्ग, ये इस प्रकार से होता है। तो पैवर्ग है वो पूरा का पूरा किससे बोला जाता है, होठों से बोला जाता है, ओस्टे होता है और ऊ और ऊ। आप बोल करके देख लीजिएगा, जब ऊ बोलोगे तो होठ अपने हिलेंगे। पैवर्ग का कोई भी पै थे बे भे मे यानी पूरे अक्षर हैं वो क्या हैं, एक तरह से उच्चारित होंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों अपने को समझने की एक बहुत बड़ी गुंजाइश है और जो गुंजाइश है वो आ देखिएगा कि पैवर्ग आ रहा है, कैवर्ग आ रहा है, चैवर्ग आ रहा है, टैवर्ग आ रहा है, तैवर्ग आ रहा है, सब वर्ग आ रहे हैं। लेकिन परीक्षा में हम गलती कर बैठते हैं और गलती क्या कर बैठते हैं वो ध्यान में रखने की बात है। तो देखिएगा एक बार पुनः देख लीजिएगा इतने को, कंठे है उसमें ए आ है, कैवर्ग है, विसर्ग है, तालव्य है ई और बड़ी ई है और चै वर्ग है और ये और स है, पहला स है, मूर्धा जो स्थान है और इनको मूर्धन्य कहते हैं, री और टैवर्ग और रे और साथ में स। दंते में लरी ये संस्कृत में होता है, टैवर्ग और साथ में ले और स तीसरा से। ओष्ठ में देखिएगा दोस्तों छोटाऊ बड़ाऊ और पैवर्ग, ये चीजें अपने सामने आई। अब यहां पर हमें एक चीज और देखनी है, हम बात कर रहे थे कि जो भी वर्ग है, चाहे कैवर्ग हो, चाहे चैवर्ग हो, चाहे टैवर्ग हो, चाहे तैवर्ग हो, चाहे पैवर्ग हो, इनके अंदर पांचवां वर्ण होता है और पांचवां वर्ण होता है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये दोस्तों यहां पर हम नासिके की बात करते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान, नासिके का उच्चारण स्थान किन किन का होता है। तो एक तो देखिए दोस्तों अंग, एक अह और उसके अलावा यानी ये नहीं है, ये देखिएगा
अंग, और उसके बाद में जो उच्चारण आएगा वो ये। यहाँ दोस्तों पांच वर्ण तो अपने पांचवें अक्षर आ गए, पंचम वर्ण आ गया, लेकिन एक जो आया वो अंग आ गया, और अडेक नहीं है ये, ये भी अंग की ध्वनि देता है, और ये अंग और ये अंग है अंग। तो हमारे सामने जो चीजें आई उनमें नासिके में, यानी इनका उच्चारण होता नाक से, जब बोलते हैं तो ध्वनि नाक में गुंजायमान होती है, तो ये हो गए कितने, छह वर्ण है ये नासिक। अब यहां आपको ध्यान ये देना है कि ये है तो पांचों क वर्गों के ही, इन जो पांच वर्ग हैं क च ट त प, इन्हीं वर्गों के ये क्या हैं, लेकिन इनका जब उच्चारण अगर हमें ऑप्शन में नासिक मिले तो हमें नासिक करना है, क्योंकि इनका उच्चारण क्या होता है, नाक से होता है। तो उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, और इनको नासिके बोला जाता है, नासिके बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपके आया होगा समझ में कि भाई कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहा है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने देखिए और नई चीजें आएंगी, और नई चीजों पर प्रकाश डालते हैं। अब है ए और आई, जब हम ए और आई को बोलते हैं तो ये यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से ये बोले जाते हैं, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालव्य है, दोनों मिले जुले हैं, कंठ तालव्य है, ए आई दोनों क्या है, कंठ तालव्य हैं। उसके बाद है ओ और औ, ये कहां से बोले जाते हैं, ये दोस्तों दोनों जो हैं वो कंठोस्थ हैं, कंठ और इसमें होठों का मेल रहता है, यानी जब ओ बोलते हैं तो कंठ भी साथ होता है और होठ भी साथ होते हैं, औ बोलते हैं तो कंठ भी साथ होता है और होठ भी साथ होते हैं, तो ये कंठोस्थ हैं, ठीक। उसके बाद है वह, अपना वह, और ये जो है वो दो चीजों से बोला जाता है, दन तोष्ठ है, यानी दांतों और होठों से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कह सकते हैं, यानी वे का उच्चारण है वो दंतोष्ठ है। और अब बचा अपना है, और है का उच्चारण स्थान है वो है अली जी है वाह, अली जी वाह, यानी ये स्वर्यंत्र से बोला जाता है, स्वर्यंत्र से बोला जाता है। तो हमारे सामने जो वर्णों के उच्चारण स्थान थे वो पूरे के पूरे दस भागों में विभाजित हैं, और दसों भाग आपके समझ में आए होंगे, एक बार पुनः थोड़ा सा देख लेते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है और एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, सूत्र है तो सूत्र के द्वारा याद कीजिएगा, ए आ के वर्ग विसर्ग, ये क्या है, कंठ से बोला जाता है और इसलिए इनको कंठे कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, पंचम वर्ण का पूरा ध्यान रखना है, पंचम वर्ण का आपको पूरा ध्यान रखना है, यहाँ सब चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन पांचवा वर्ण लाकर टिका देगा, तब आपको अगर वो ऑप्शन में नासिका मिले तो नासिका ही करना है, नासिके ही करना है, यानी नाक से बोले जाते हैं, वो तालव्य है, और तालव्य में छोटी ई बड़ी ई चवर्ग और ये और स है, मूर्धन्य है उसमें
री है, ते वर्ग है और रे और से है, यानी रे और से है। और इसके अलावा दंते हैं, दंते में लरी भी है और बहुत बार लरी का पूछ लेते हैं। हालांकि हिंदी में लरी का उच्चारण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी यानी हम इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। त वर्ग है और ले और स है, इसमें आगे वाले भी क्रम से हैं, विसर्ग, ये, रे, ले और से। अब इनमें है और वे दोनों का उच्चारण थोड़ा क्या है, भिन्न होता है, अलग टाइप से होता है, इसलिए उनको हमने अलग रख दिया। औस्ते में उ बड़ा उ और पैवर्ग आता है, औस्ते में उ छोटा उ बड़ा उ और पैवर्ग आता है। और यानी ये जो हम बात कर रहे हैं, पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्ग में हमारे जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 25। 25 में ये पांच है ना, ये पांच जो हैं वो नासिक के कहलाते हैं। देखो दोस्तों, ये स्पर्श में भी आते हैं, नासिक के भी हैं, अनुनासिक भी हैं ये, और अनुस्वार के रूप में भी होते हैं, यानी इनका रोल बहुत बड़ा है काफी मात्रा में, तो इन पर हमें फोकस रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये नासिके हैं, और नासिके में पांच ही नहीं है बल्कि छठा ये और जुड़ जाता है, अंग अंग। और विसर्ग तो कौन से में आ गया, विसर्ग तो कंठे में आ गया, कंठे में आ गया, तो विसर्ग तो अपना हो गया पहले। अब ये जो अनुस्वार बचा वो इसमें आ जाता है। अब देखिए ए आई ये हैं वो कंठ तालवी से बोले जाते हैं, यानी इसमें तालु और कंठ दोनों का योग रहता है। ओ औ ये कंठ और होठ दोनों के योगदान से बोले जाते हैं। वे, अब देखिए वे वहां ऊपर वे नहीं आया था, ये रे ले तीन तो आ गए थे, वे बच गया था, तो वे दंतोष्ट है, इसमें दांत और होठों का योग रहता है। अब यहां पर आ गया है, से तीनों से आ गए थे लेकिन है बच गया था, ये अलीजीवा यानी स्वर यंत्र से बोला जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, स्वर यंत्र है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप सूत्र के द्वारा भी, अगर आपको सूत्र याद है तो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप में इनके 10 पार्ट हैं और हमें 10 के 10 पार्ट हैं उनको याद करना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, दीजिए इजाजत, गुड मॉर्निंग दोस्तों।